सो दोस्तों, बहुत दिन हो चुके हैं और मुझे एक मेरे सब्सक्राइबर ने कमेंट किया था कि है जय, आई जस्ट वांटेड टू टेल यू दैट आई हैव सम प्रॉब्लम विथ माय पीसी। द माइक्रोसॉफ्ट स्टोर एंड माइक्रोसॉफ्ट एप्स लाइक कैमरा एंड वीडियो एडिटर आर नॉट ओपनिंग इन माय पीसी, सो हेल्प मी इफ़ यू कैन। तो आखिर क्या इशू है इस बंदे के पीसी में क्या हो रहा है कि इसके जो माइक्रोसॉफ्ट एप्स है, इसके जो माइक्रोसॉफ्ट स्टोर है, ये ओपन क्यों नहीं हो रहा है। सो गाइज, ये जो इशू ये मैं फेस कर चुका हूँ और इस इशू को सॉल्व करने का जो तरीका है बहुत ही आसान सा है। सो अगर आप भी फेस कर रहे हो इस इशू के साथ, तो हमारे इस वीडियो के साथ बने रहिए और देखते रहिए इस वीडियो को आखिर तक, अगर आप भी फेस कर रहे हो इस इशू को और सॉल्व करना चाहते हो। सो हेलो गाइस, मेरा नाम है जय और आप देख रहे हैं टेक बॉय 27 चैनल। सो विदाउट गेटिंग फर्दर, लेट्स बिगिन विद दिस वीडियो। तो गाइस, स्टेप वन में आपको क्या करना है, तो सबसे पहले आपको अपने जो एप्लीकेशंस है उसको ट्रबल शूट कर लेना है। तो कैसे, तो आपको जाना है सेटिंग्स में, तो हम जाएंगे इधर विंडोज आइकन। सो आप इधर से भी सेटिंग्स पर जा सकते हो या फिर विंडोज लोगो पर क्लिक करके और आई बटन को क्लिक करके भी आप सेटिंग्स में जा सकते हो। तो सेटिंग्स में जाने के बाद आपको जाना है अपडेट एंड सिक्योरिटी। सो अपडेट एंड सिक्योरिटी में जाने के बाद, जैसे कि आप देख सकते हो, हमें ट्रबल शूटर का ऑप्शन मिल जाता है और हम इस पर सिंपली कर देंगे क्लिक। और क्लिक करने के बाद हम जाएंगे एडिशनल ट्रबल शूटर। सो एडिशनल ट्रबल शूटर में जाने के बाद आपको स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपको इधर दिख रहा होगा विंडोज स्टोर्स एप्स, तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। सो रन द ट्रबल शूटर। सो तो आपको वेट कर लेना है इसके डिटेक्टिंग प्रॉब्लम या ऑटोमेटिक आपके प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा, नहीं तो ऑटोमेटिक प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर देगा। और अगर आपको ये बताएगा कि आपको क्या करना है आपके विंडोज़ के साथ, जैसे कि आपकी जो एप्लीकेशन है माइक्रोसॉफ्ट की, वो चल जाए, तो हम इसका वेट कर लेते हैं इसके ट्रबल शूट होने का। सो गाइस, इन्होंने बोला है रिसेट एन ऐप, यू कैन रिसेट एप्स दैट आरंट वर्किंग राइट From apps and features, open apps and features, select the apps that not working, tap or click advanced option, then reset. तो troubleshooter ने हमें एक step बताया कि हमें अपने application को reset करना है। So मेरा जो दोस्त है उसके जो application से उसका Microsoft Store, my camera और video editor जैसे application काम नहीं कर रहे, तो ये सबसे पहला स्टेप था। अभी सेकेंड स्टेप में मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे एप्लीकेशन को रिसेट कर सकते हो। तो हमें ट्रबल शूटर ने बताया कि हमें रिसेट करना है एन एप्लीकेशन जो कि वर्क नहीं कर रहा है। सो अगर आपका जो आप कौन सा एप्लीकेशन वर्क नहीं कर रहा है, तो उसे आप रिसेट कर सकते हो स्टेप टू में जाकर। अगर ये स्टेप भी आपके इसमें काम नहीं कर रहा है, तो आप स्टेप टू देखिए। तो ये बोल रहा है इनिशियलाइजिंग द डायग्नोस्टिक स्टार्टिंग बिट सर्विस और ये ऑटोमेटिकली रिसेट कर देगा। सो जैसे कि आप देख सकते हो हैंगिंग और क्रैशिंग ऐप मुझे इधर इशू आ चुका है, तो हमें अभी सिंपली रिसेट करना है। तो चलिए जल्दी से बढ़ते हैं स्टेप टू की तरफ। सो गाइस, आपको स्टेप टू में क्या करना है, तो स्टेप टू में आप सबसे पहले रिसेट कर लेना है एप्लीकेशन को जो कि आपके काम नहीं कर रहे, जो कि आपके ओपन आप ही नहीं हो रहे। तो रिसेट कैसे करेंगे, तो सबसे पहले आपको जाना है इधर विंडोज लोगो। सो यहाँ पर से भी आप सेटिंग्स में जा सकते हो, नहीं तो आप विंडोज लोगो और आई बटन को प्रेस करके विंडो सेटिंग्स में जा सकते हो। तो उसके बाद आपको क्लिक करना है ऐप्स ऑप्शन पर, वहाँ पर क्लिक करके आपको जाना है ऐप्स के ऑप्शन में। तो उसके बाद समझ लीजिए, अगर मेरा जो दोस्त है उसका जो एप्लीकेशन कैमरा वीडियो एडिटर और माइक्रोसॉफ्ट स्टोर ओपन आप नहीं हो रहा है, तो वो बंदा क्या करेगा, आपको यहाँ पर सिंपली सर्च करना है माइक्रोसॉफ्ट स्टोर। सो जैसे आप देख सकते हो नीचे माइक्रोसॉफ्ट स्टोर आ चुका है, तो आपको जाना है माइक्रोसॉफ्ट स्टोर में। सो माइक्रोसॉफ्ट स्टोर में क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर नीचे दिख रहा होगा एडवांस्ड ऑप्शन, तो हम एडवांस्ड ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे और ये विंडो ओपन हो जाएगा। सो नीचे आपको जाना है और नीचे आप देख सकते हो रीसेट इफ दिस एप्स डज इजंट वर्किंग राइट रीसेट इट द ऐप डेटा विल बी डिलीटेड, यानी कि अगर आपका जो माइक्रोसॉफ्ट स्टोर है वो काम नहीं कर रहा है, तो आप इसे रिसेट कर लोगे, तो आपका जो ईमेल है, जो आपने ईमेल से जो लॉगिन किया था माइक्रोसॉफ्ट स्टोर में, वो सब डेटा उड़ जाएगा यानी कि डिलीट हो जाएगा।
सो तो मेरे सिस्टम में काम कर रहा है, पर अगर आपके सिस्टम में काम नहीं कर रहा है तो आप इस रिसेट पर क्लिक कीजिए और आपका जो एप्लीकेशन है वो काम करने चालू कर देगा। और पर इसके जो डिसएडवांटेजेस है वो है कि आपका जो सारा डेटा है ईमेल से वो सब हो जाएंगे, पर नहीं जब आप इसमें लॉगिन कर लोगे तो आपका जो ईमेल है वो सेंसिंग चालू कर देगा, सेंस होने के बाद आपका जो सारा डेटा है वो वापस से आ जाएगा। सो तो आप इस रिसेट करके भी अगर समझ लीजिए, अभी माइक्रोसॉफ्ट स्टोर तो हम रिसेट कर लिया, तो अभी हम रिसेट करेंगे कैमरा को वापस एप्स ऑप्शन, तो हम जाएंगे कैमरा, उसके उस जो बंदा है वो बंदे के माइक्रोसॉफ्ट स्टोर कैमरा और वीडियो एडिटर काम नहीं कर रहा है, तो आपको सिंपली यहाँ पर सर्च करना है जो जो आपके एप्लीकेशन काम नहीं कर रहे, जैसे कि आपने अभी माइक्रोसॉफ्ट स्टोर का तो रिसेट हो गया पर मैंने किया नहीं, पर अगर आप कर रहे हो तो आप रिसेट कर सकते हो। तो अभी हम कैमरे को रिसेट करें, कैमरे में जाएंगे और उसके बाद एडवांस ऑप्शन, तो ये विंडो पॉपअप हो जाएगा और उसके बाद आपको जाना है नीचे और उसके बाद हम वापस रिसेट पर क्लिक कर देंगे। रिसेट पर क्लिक करने के बाद सिंपली ऐसे ही आपको रिसेट पर क्लिक कर देना और ये जो एप्लीकेशन है ये रिसेट होना चालू कर देगा। सो गाइस, आप अगर माइक्रोसॉफ्ट स्टोर को भी आप रिसेट कर रहे हो तो आपको सेम टू सेम ऐसे ही आपको ये जो मैंने स्टेप्स बताए सेम टू सेम आप इस स्टेप को ही फॉलो कर आपको माइक्रोसॉफ्ट को भी रिसेट करना है, तो सिंपली आपको वेट कर लेना है और रिसेट होने के बाद आपको इधर एक टिक आ जाएगा। सो माइक्रोसॉफ्ट स्टोर में भी ऐसा ही होगा और अदर जो एप्लीकेशन आते हैं, जो सारे एप्लीकेशन आते हैं उनमें भी ऐसा ही जो माइक्रोसॉफ्ट आपको रिसेट करने का ये सारे स्टेप्स होंगे। सो रिसेट करने के बाद आपको अपने सिस्टम को रिस्टार्ट कर लेना है और उसके बाद वो एप्लीकेशन को ओपन करके उसमें लॉग इन कर लेना है। सो अभी माइक्रोसॉफ्ट स्टोर हो गया, कैमरा भी हो गया और अभी हम करेंगे तो वीडियो एडिटर बन चुका है। अभी हम यहाँ जाएंगे विंडोज ऑप्शन पर, यहाँ पर क्लिक करेंगे वीडियो एडिटर। सो ये है विंडोज का वीडियो एडिटर और इस पर हम कर देंगे ऐप सेटिंग्स। सो इस पर क्लिक करने के बाद हम सीधा आ जाएंगे ऐप सेटिंग्स में और फिर नीचे स्क्रॉल करने के बाद जैसे कि आप देख सकते हो इफ दिस ऐप इज नॉट वर्किंग आ चुका है, तो हम इस पर वापस रिसेट क्लिक कर देंगे और वापस रिसेट। सो ये रिसेट होना चालू कर देगा। सो गाइस, सो जो सब्सक्राइबर है अगर उसको सर्च कर रहा है एप्लीकेशन में, ऐप्स के फंक्शन में जाकर वो सर्च कर रहा है वीडियो एडिटर, उधर आपको नहीं मिलेगा वीडियो एडिटर सर्च करने के बाद, उधर बस आपको कैमरा और माइक्रोसॉफ्ट दो एप्लीकेशन सर्च करके मिल जाएंगे, पर जो वीडियो एडिटर उधर नहीं मिल जाएगा। आपको यहाँ पर जाना होगा विंडोज़ के लोगो पर क्लिक करके आपको यहाँ पर सर्च करना है VIDO वीडियो एडिटर। सो इस वीडियो एडिटर पर क्लिक कर आग सर्च करूँ तो तभी ये वीडियो एडिटर आपको दिखेगा। इस पर सर्च करने के बाद आपको यह सिंपली ऐप सेटिंग्स में जाकर और आप सीधा यहाँ पर पहुँच जाएंगे, रिसेट कर देना है तो आपको जो विंडोज एडिटर है यानी कि वीडियो एडिटर है वो काम करना शुरू कर देगा। सो आप जिसे देख सकते हो ठीक हो चुका है अभी। सो ये जो एप्लीकेशन रिसेट हो चुका है, अगर ये भी स्टेप्स फॉलो कर आपको जो माइक्रोसॉफ्ट स्टोर है, आपका कैमरा है और वीडियो एडिटर वो तो भी काम नहीं करता है, तो आप स्टेप 3 भी देख सकते हो। तो चलिए जल्दी से स्टेप 3 की तरफ बढ़ लेते हैं। सो गाइस, स्टेप 1 और स्टेप 2 को फॉलो करने के बाद फिर भी अगर आपके माइक्रोसॉफ्ट एप्लीकेशन माइक्रोसॉफ्ट स्टोर काम नहीं करता तो आप इस स्टेप 3 को फॉलो करके देखिए। स्टेप 3 को आपने सीपीयू पर टेस्ट करके देखिए तो आपका जो माइक्रोसॉफ्ट है, माइक्रोसॉफ्ट एप्लीकेशन है, माइक्रोसॉफ्ट स्टोर है, वो काम करना शुरू कर देंगे। तो स्टेप 3 में आपको क्या करना है गाइस, आपको प्रेस करना है विंडोज़ की। प्रेस करने के बाद आपको यहाँ पर सर्च करना है WS रिसेट। सो गाइस, WS रिसेट क्या करेगा, पहले हम इसको टाइप कर लेते हैं। सो आप देख सकते हो WS रिसेट प्रेस करने के बाद इसका जो मतलब क्या है, यानी कि जब भी आप WS रिसेट को रन करोगे आपके सिस्टम पे तो आपका जो माइक्रोसॉफ्ट स्टोर है, जो कैशे मेमोरी होता है माइक्रोसॉफ्ट स्टोर का, जो कैशे मेमोरी है वो डिलीट हो जाएगा यानी कि रीसेट हो जाएगा, यानी कि जो कैशे मेमोरी है वो वापस से डिलीट करके रीइंस्टॉल करेगा, फ्रेश रीइंस्टॉल करेगा अपने माइक्रोसॉफ्ट स्टोर को। तो आपको क्या करना है, आपको सिंपली इस पर सर्च कर लेना है और इसको हम कर लेंगे रन एज एडमिनिस्ट्रेटर। सो रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करने के बाद जैसे आप देख सकते हो हमारा जो WS रीसेट है वो रन करना शुरू कर देगा जैसे ही आप इसको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर पर क्लिक कर दोगे। सो आपको वेट करना है और वेट करने के बाद ये जो WS रीसेट है ये क्लोज हो जाएगा और ऑटोमेटिकली आपका जो माइक्रोसॉफ्ट स्टोर है वो ओपन हो जाएगा। तो चलिए वेट कर लेते हैं जल्दी इसके कंप्लीट होने का। सो गाइस, जैसे कि आप देख सकते हो जो WS रीसेट है वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है और जो माइक्रोसॉफ्ट स्टोर है वो ऑटोमेटिकली ओपन हो चुका है, यानी कि हमारा जो माइक्रोसॉफ्ट स्टोर है वो काम करना शुरू कर दिया है। सो एक बार अगर आपका माइक्रोसॉफ्ट स्टोर काम करना शुरू कर देगा तो आपके जो अदर माइक्रोसॉफ्ट एप्लीकेशन है आप उन्हें अपडेट कर सकते हो या रिसेट भी कर सकते हो। सो अब
अगर आपके जो माइक्रोसॉफ्ट के एप्लीकेशन है वो काम भी नहीं कर रहे और आपका माइक्रोसॉफ्ट स्टोर भी काम नहीं कर रहा है, तो आप ज़्यादा करके फोकस दीजिए कि माइक्रोसॉफ्ट स्टोर को हम कैसे रिपेयर कर सकते हैं। तो आप स्टेप 3 को यूज़ करके आप माइक्रोसॉफ्ट स्टोर के कैशे में मेरे को डिलीट करके आप और माइक्रोसॉफ्ट के अदर एप्लीकेशन को रिपेयर कर सकते हो। तो कैसे, तो सबसे पहले हम जाएंगे इधर 3 डॉट्स पे, डाउनलोड्स एंड अपडेट्स में जाएंगे। सो डाउनलोड्स एंड अपडेट्स पे जाने के बाद जैसे आप देख सकते हो जो भी सारे एप्लीकेशन है जो हमें विंडोज़ सो अपडेट करने के बाद जो ये जो देख रहे हैं आप विंडोज़ एप्लीकेशन, आप डाउनलोड एंड अपडेट्स में जाने के बाद आप इधर से इसको अपडेट कर लेना। सो विंडोज़ कैमरे को अपडेट करने के बाद आपका जो कैमरा है वो काम करना शुरू कर देगा। सो यही थे स्टेप 3 में, तो चलिए जल्दी से बढ़ते हैं हमारे स्टेप 4 की तरफ। सो गाइस स्टेप 4 में आपको अपने विंडोज़ को अपडेट करके देख लेना है, यानी कि अगर आपका विंडोज़ का वर्जन विंडोज़ 10 का वर्जन पुराना होगा तो आपका माइक्रोसॉफ्ट स्टोर काम नहीं करेगा, बॉटलनेक करेगा। तो आपके विंडोज़ 10 को अपडेट करने के लिए आपको सिंपली जाना है सेटिंग्स में, आप अपने विंडोज़ लोगो पर क्लिक करके आप इधर से भी सेटिंग्स में जा सकते हो, नहीं तो आप विंडोज़ आइकन की और आई बटन को प्रेस करके आप सेटिंग्स में जा सकते हो। इधर आने के बाद आपको जाना है अपडेट एंड सिक्योरिटीज़, अपडेट एंड सिक्योरिटीज में दोस्तों जाने के बाद आपको थोड़ा सा वेट कर लेना है क्योंकि इधर विंडोज सर्च करेगा अपडेट्स के लिए। सो अगर आप देखते हो इधर विंडोज़ अवेलेबल विंडोज 10 अपडेट्स अवेलेबल तो आप जल्दी से अपडेट कर लीजिए, नहीं तो अगर आपकी सिस्टम ऐसा यू आर अप टू डेट तो आप चेक फॉर अपडेट भी एक बार क्लिक कर लीजिए। सो अगर आपका इधर आ रहा होगा चेक योर विंडोज इज अपडेट टू द लेटेस्ट करंट वर्जन तो आप इसे अपडेट कर लीजिए, क्योंकि पता नहीं कभी भी हमें विंडोज 10 के अपडेट्स आज सिक्योरिटी अपडेट्स आ जाते हैं। तो हम वेट कर लेते हैं विंडोज चेकिंग फॉर अपडेट्स कंप्लीट होने का। सो गाइस जैसे कि आप देख सकते हो यू आर अप टू डेट लास्ट चेक टुडे 1548, यानी कि जो मेरा जो सिस्टम है वो विंडोज 10 जो है वो अप टू डेट है, यानी कि अपडेटेड है। अगर आपका अपडेटेड नहीं तो आप विंडोज 10 को अपडेट कर लीजिए और फिर आपका जो माइक्रोसॉफ्ट स्टोर है वो भी काम करना शुरू कर सकता है। अगर आपको स्टेप 1 स्टेप 2 और स्टेप 3 फॉलो कर भी आपके ये इश्यू सॉल्व नहीं होते तो आप स्टेप 5 को ज़रूर देखिए, क्योंकि स्टेप 5 को अगर आप देख लोगे आप स्टेप 5 के तो आपका जो माइक्रोसॉफ्ट स्टोर है वो काम करना शुरू कर देगा। तो चलिए जल्दी से बढ़ते हैं हम स्टेप 5 की तरफ और सॉल्व कर लेते हैं हमारे विंडो माइक्रोसॉफ्ट स्टोर के एरर को। सो गाइस ये जो स्टेप 5 है सबसे इम्पोर्टेंट है, अगर आपका माइक्रोसॉफ्ट स्टोर सारे स्टेप्स फॉलो कर भी, यानी कि स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप 4 ये सारे स्टेप फॉलो कर भी अगर आपका जो माइक्रोसॉफ्ट स्टोर काम नहीं कर रहा है तो आपको स्टेप 5 ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि इसी स्टेप 5 में मैं इतने पावरफुल आपको कमांड बताने वाला हूँ, इस कमांड से जो आपका माइक्रोसॉफ्ट स्टोर है वो काम करना शुरू कर देगा। तो क्या है आखिर वो कमांड क्या है, तो सबसे पहले हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे, तो इसको पूरे ध्यान से पूरा अपना ध्यान देके आपको इस कमांड को लिखना है। तो सबसे पहले आपको जाना है यहाँ पर विंडोज़ की में और विंडोज़ लॉगर पर क्लिक करने के बाद आपको सर्च करना है पावर शेल। पावर शेल सर्च करने के बाद गाइज आपको इसको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करना है। सो या तो रन एज एडमिनिस्ट्रेटर, सो रन एज एडमिनिस्ट्रेटर का हमें द फंक्शन आ चुका है, तो हम अभी इस पर क्लिक कर देंगे और इसे ओपन कर लेंगे। सो गाइस ये जो स्टेप्स है अगर आपके माइक्रोसॉफ्ट स्टोर काम नहीं कर रहा है सारे स्टेप्स फॉलो कर भी, तो मैं ये जो स्टेप है मैं इस पर अपने सिस्टम तो पावर शेल को रन एज एडमिनिस्ट्रेटर दोबारा से हम कर लेंगे। और यस, तो अभी हमने जो कमांड कॉपी किया था हम इधर एडिट में जाकर उसे पेस्ट कर देंगे और वापस से एंटर प्रेस कर देंगे। सो जैसे कि आप देख सकते हो जो कमांड हमने किया था टाइप वो उस कमांड से जो हमारा माइक्रोसॉफ्ट स्टोर है वो सिस्टम से तो उड़ ही चुका है, नीचे भी आप देख सकते हैं हमारा जो माइक्रोसॉफ्ट स्टोर हम इधर सर्च करके देख लेते हैं। तो जैसे आप देख सकते हैं हमारा माइक्रोसॉफ्ट स्टोर जो है वो यहाँ पर नहीं आ रहा है, यानी कि हमारे सिस्टम से ही माइक्रोसॉफ्ट स्टोर उड़ चुका है। तो बिल्कुल भी चिंता मत करिए, मैं आपको और एक कोड दूंगा, उस कोड को आप वापस से कॉपी कर लीजिए पावर शेल में वापस से पेस्ट कर लीजिए, आपको जो माइक्रोसॉफ्ट स्टोर है वो रीइंस्टॉल हो जाएगा। तो याद रखना दोस्तों आपको पावर शेल को रन एज एडमिनिस्ट्रेटर ही करना है, जिससे कि आपका जो पावर शेल है अपने माइक्रोसॉफ्ट स्टोर को अनइंस्टॉल कर सके, क्योंकि हमें उसे एडमिनिस्ट्रेटर पावर देनी पड़ती है कौन सी भी एप्लीकेशन को इंस्टॉल अनइंस्टॉल करने के लिए। तो आपको नीचे से कॉपी कर लेना है डिस्क्रिप्शन में से कमांड टू रीइंस्टॉल एमएस स्टोर, तो हमें इस कमांड को वापस से कॉपी कर लेना है गाइस
कॉपी करने के बाद हम यहाँ पे पेस्ट कर इधर आकर क्लिक कर देंगे और वापस से हम इधर ऊपर सिलेक्ट एडमिनिस्ट्रेटर विंडोज पावर शेल पर राइट क्लिक कर एडिट में जाकर वहाँ पर हम पेस्ट कर देंगे। तो आपको ठीक से कॉपी करना है कमांड, क्योंकि अगर कमांड कॉपी नहीं होगा तो आपका जो इधर पेस्ट नहीं हो पाएगा कमांड। तो ओके, तो हम इधर वापस से आ गए हैं और यहाँ पर आप प्रेस कंट्रोल भी प्रेस कर हमारा जो कमांड है वो पेस्ट हो चुका है। सो कमांड पेस्ट करने के बाद गाइज आपको वापस से एंटर करना है और एंटर करने के बाद जैसे आप देखते हो प्रोसेसिंग हो रहा है, यानी कि हमारा जो माइक्रोसॉफ्ट स्टोर है वो इंस्टॉल हो रहा है और माइक्रोसॉफ्ट स्टोर इंस्टॉल हो चुका है तो खुशी की बात है। सो माइक्रोसॉफ्ट स्टोर इंस्टॉल होने के बाद वापस जाएंगे इधर और सर्च करेंगे माइक्रोसॉफ्ट स्टोर। सो गाइस याद रखना कि जब भी आप इसको अनइंस्टॉल करोगे अपने माइक्रोसॉफ्ट स्टोर को, तो आपको अपने सिस्टम को रिस्टार्ट करना है और फिर सिस्टम को रिस्टार्ट करने के बाद आपको आपका जो ये कोड है मैंने दिया था कमांड टू री इंस्टॉल एम एस स्टोर। तो मैं जल्दी से मेरे सिस्टम को रिस्टार्ट कर लेता हूँ और वापस आता हूँ वीडियो में। सो गाइस मैंने रिस्टार्ट कर लिया अपने कंप्यूटर को, तो मैं अभी आपको सबसे मेन पॉइंट बताता हूँ। तो स्टेप 5 में आपको क्या करना है गाइस, क्योंकि ये सबसे मेन पार्ट है इस वीडियो का स्टेप 5। सो आपको स्टेप 5 में क्या करना है, सबसे पहले पावर शेल ओपन करना है, उसे रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करना है। याद रखना उसे आपको एडमिनिस्ट्रेटर पावर देनी पड़ेगी, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करके तभी आपका जो माइक्रोसॉफ्ट स्टोर है वो अनइंस्टॉल हो पाएगा। तो पावर शेल को रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करने के बाद आपको डिस्क्रिप्शन में से कोड एक मैं कोड दे दूंगा, वहाँ पर से आपको लिखाऊंगा माइक्रोसॉफ्ट अनइंस्टॉलेशन कोड। तो उस कोड को कॉपी कर लीजिए, उस कोड को कॉपी करके आपको माइक्रोसॉफ्ट आपका जो पावर शेल है उसमें पेस्ट कर देना है। सो पेस्ट करने के बाद गाइज आपको एंटर करना है, एंटर करने के बाद आपको थोड़ी देर वेट करना है क्योंकि जो प्रोसेसिंग होगा अनइंस्टॉल की प्रोसेसिंग हो जाएगी आपके माइक्रोसॉफ्ट स्टोर की। सो कोड पेस्ट करने के बाद, एंटर करने के बाद, प्रोसेसिंग भी होने के बाद आप अगर सर्च करेंगे माइक्रोसॉफ्ट स्टोर तो आपके सिस्टम में माइक्रोसॉफ्ट स्टोर आपको नहीं मिलेगा। सो माइक्रोसॉफ्ट स्टोर अनइंस्टॉल होने के बाद आप याद रखना आपको अपने सिस्टम को रिस्टार्ट करना है। जी हाँ, सिस्टम को रिस्टार्ट कर लेना है आपकी जब आपका जो माइक्रोसॉफ्ट स्टोर है अनइंस्टॉल होने के बाद। अनइंस्टॉल होने के बाद आपके सिस्टम का आपको सिस्टम को रिस्टार्ट करना है। रिस्टार्ट होने के बाद आपको वापस से जाना है पावर शेल, पावर शेल को ओपन करने के बाद रन एज एडमिनिस्ट्रेटर उसे करना है, एडमिनिस्ट्रेटर पावर्स को देनी है, वापस से डिस्क्रिप्शन में जाना है, वापस लिखाऊंगा रीइंस्टॉलेशन कोड फॉर एम एस स्टोर। सो उस कोड को कॉपी कर लीजिए, वापस पावर शेल में उसे आकर पेस्ट कर दीजिए। पावर शेल में आपको उसे पेस्ट करने के बाद आपको एंटर कर देना है, फिर थोड़ा सा वेट करना है प्रोसेसिंग होने के बाद। प्रोसेसिंग होने के बाद अगर आप देखोगे सर्च करोगे सो आपको नहीं मिलेगा क्योंकि आपको वापस से सिस्टम रिस्टार्ट करना पड़ेगा। सो अनइंस्टॉल के बाद रिस्टार्ट करना है और इंस्टॉलेशन के बाद आपको वापस से रिस्टार्ट करना है। सो जब आप रिस्टार्ट करोगे तभी आपका माइक्रोसॉफ्ट स्टोर आपको अपने सिस्टम पर दिखेगा। सो तो मैंने अपने सिस्टम को रिस्टार्ट कर लिया है, तो आपको याद में रखना है कि यही सारे स्टेप 5 के सारे स्टेप्स आपको ध्यान में रखने हैं और तभी आपका जो माइक्रोसॉफ्ट स्टोर है वो अनइंस्टॉल होकर रीइंस्टॉल हो जाएगा। तो मेरा जो माइक्रोसॉफ्ट स्टोर है वो अनइंस्टॉल होके मैंने रीइंस्टॉल कर चुका है और रिस्टार्ट भी हो चुका है, मेरा सिस्टम प्रॉपरली रिस्टार्ट हो चुका है। तो अभी हम जाएंगे विंडोज़ की, यहाँ पर सर्च करेंगे माइक्रोसॉफ्ट। सो मैंने आपको पहले भी बताया था, मैंने दिखाया था कि हमारा जो माइक्रोसॉफ्ट स्टोर है सर्च करके दिखाया था, जब अनइंस्टॉल करने वाला हमारा माइक्रोसॉफ्ट स्टोर नहीं आ रहा था, पर अभी हमारा माइक्रोसॉफ्ट स्टोर आ रहा है। तो अभी हम इसको ओपन कर लेंगे। सो तो चेक कर लेते हैं हमारा जो माइक्रोसॉफ्ट स्टोर है वो काम कर रहा है कि नहीं। तो हम इसे ओपन कर लेते हैं। सो या हमारा माइक्रोसॉफ्ट स्टोर ओपन हो रहा है। सो स्टार्टिंग में गाइस ये थोड़ी सी लोडिंग करेगा क्योंकि आपको पता है कौन सा भी एप्लीकेशन अनइंस्टॉल करने के बाद, रीइंस्टॉल होने के बाद उसको थोड़ा सा देर लेता है लोड होने, क्योंकि मेरे इसमें जल्दी हो गया क्योंकि मेरे इसमें जो अकाउंट है उस जो कैशे है वो पहले से ही था। तो स्टेप 5 में ये सारे स्टेप्स थे आपको फॉलो करके आपके माइक्रोसॉफ्ट स्टोर को आपको अनइंस्टॉल करके रीइंस्टॉल करना है। तो चलिए गाइस, तो मैं आपको एक बता देना चाहता हूँ कि आप स्टेप 5 को अगर फॉलो कर रहे हो तो जो आपके जो कमांड है उसे प्रॉपरली कॉपी और पेस्ट कीजिए, नहीं तो आपका जो कमांड है वो काम नहीं करेगा, यानी कि आपका माइक्रोसॉफ्ट स्टोर काम नहीं करेगा। सो गाइस अगर ये वीडियो के स्टेप्स देखकर भी आपको कौन सी इशू आती है माइक्रोसॉफ्ट स्टोर्स और माइक्रोसॉफ्ट एप्लीकेशंस में, तो प्लीज़ मुझे कमेंट डाउन करें। मैं आपके जो इरर है, जो ये सारे स्टेप्स फॉलो करके भी आपका जो इरर है सॉल्व नहीं हो रहा, तो मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा कि मैं आपके इरर को सॉल्व कर सकूँ। तो दोस्तों कैसी लगी आपको हमारी आज की ये वीडियो, वीडियो अच्छी लगे प्लीज़ इस वीडियो को भी लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए और जल्दी से 1K कर दीजिए। गाइस अगर ये वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को भी लाइक करना मत भूलना। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।